मेरा नाम शिका है और ये बात उस रात की है जब मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। रात के 10 बजे मेरी माँ एक किटी पार्टी के लिए बाहर जा रही थी। जाने से पहले माँ ने कहा कि बेटा, मुझे वापस आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, सो तुम खाना खाकर सो जाओ और किसी ने भी दरवाज़ा नॉक किया तो बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना। इस पर मैंने कहा कि लेकिन माँ, फिर मुझे आपके आने का पता कैसे चलेगा। ये सुनकर माँ ने कहा कि जब तक मैं तुम्हें आवाज़ न दूँ तब तुम डोर बिल्कुल मत खोलना। ऐसा बात कहकर माँ चली गई। उसके बाद मैंने खाना खा लिया और मैं टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगी। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी लेकिन तभी अचानक कोई मेरे दरवाज़ा नॉक करने लगा। ये सुनकर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए लिविंग रूम में चली गई। अभी मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी लेकिन तभी मुझे माँ की वो बात याद आई। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक मैं आवाज़ नहीं दूँगी तब तक तुम बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना। इसलिए मैंने बाहर कौन है ये कंफर्म करने के लिए मैंने 2-3 बार पूछा कि कौन है बाहर। इस पर सामने से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। वो शख्स डोर को नॉक कर रहा था। ये सुनकर मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। अभी मैं टीवी बंद करने जा ही रही थी लेकिन तभी अचानक जो बाहर था वो शख्स दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा था। एक्चुअली मेरे घर का दरवाज़ा इतना भी कमज़ोर नहीं था कि कोई उसे तोड़ दे, लेकिन उस शख्स को ऐसे डोर नॉक करते हुए सुनकर मैं कंफर्म हो गई कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मैंने डर की वजह से घर के सारे विंडोज़ अंदर से लॉक कर दिए। अभी मैं सोफे पर बैठकर कुछ सोच ही रही थी तभी अचानक मेरे घर के बाहर से किसी आदमी की हंसने की आवाज़ आ गई और वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मैं समझ गई थी कि बाहर जो आदमी है वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं उस आदमी को इग्नोर कर दी और अपने बेडरूम में जाकर बैठ गई। उसके कुछ देर बाद मेरे घर के बाहर का माहौल पूरी तरह शांत हो गया। कोई दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं आ रही थी और कोई हंसने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई घर के बाहर ज़रूर है। और मुझे ये भी पता था कि मैं घर के अंदर बिल्कुल सेफ हूँ, पर मुझे डर लग रहा था। और उस वक्त मैं अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रही थी। मैं सोने की भी कोशिश कर रही थी पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी लेकिन तभी अचानक फिर मेरे घर का दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आने लगी और दूसरे ही पल मुझे बाहर से आवाज़ आ गई कि शिका बेटा, प्लीज़ ओपन द डोर, देखो तुम्हारी माँ आ गई है, वेयर आर यू। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने लिविंग रूम में जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी माँ को सामने देखकर मैंने उनको गले लगाया। उसके बाद मैंने उनको सारी अपनी बातें बता दी जो भी मेरे साथ हो चुकी थी। अभी इस बात को काफ़ी महीने हो चुके हैं पर आज भी हमें ये पता नहीं चला कि बाहर जिस शख्स के हंसने की आवाज़ आ रही थी वो शख्स कौन था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।